दुनिया को दहलाने के लिए उत्तर कोरिया ने बनाया कौन सा बड़ा प्लान। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने कहां किया शक्ति प्रदर्शन। ईरान के हिजाब आंदोलन में आया कौन सा नया मोड़। और अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टेडियम में मैच के दौरान पुलिस और दर्शकों के बीच हिंसक झड़प। इन सभी खबरों को विस्तार से देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग पर एटमी सनक सवार है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक पैनल का दावा है कि उत्तर कोरिया संभावित परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटा है। दावे के मुताबिक किम ने इसके लिए विदेश में पढ़ाई कर रहे नॉर्थ कोरियाई छात्रों से बकायदा परमाणु हथियारों की टेक्निक अपने देश लाने का आह्वान भी किया है। अभी दो दिन पहले ही अपने पूर्वी क्षेत्र से जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को अपनी जंगी इरादे बता चुका है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी ने पर्शियन गल्फ में ड्रोन अभ्यास कर अपनी ताकत का परिचय दिया। इस ड्रोन अभ्यास में सेल्ड्रोन एक्सप्लोरर को शामिल किया गया। ये ड्रोन लंबे समय तक समंदर के ऊपर गश्त लगाने और हमले करने में सक्षम है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस के मुताबिक फारस की खाड़ी में हुई ड्रिल में यूएस और रॉयल नेवी के दो दो युद्धपोत शामिल हुए। फारस की खाड़ी में अमेरिका की बढ़ती गतिविधि से ईरान का पारा हाई है। नागोर्नो काराबाख विवाद को लेकर घातक संघर्ष के बाद आखिरकार आर्मेनिया और अजरबैजान यूरोपीय संघ के असैन्य सीमा मिशन के लिए सहमत हो गए हैं। प्राग में वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधि ने शत्रुता और तनाव कम करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। अजरबैजान ने भी अपने क्षेत्र में मिशन के साथ सहयोग का भरोसा दिया। पिछले महीने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए संघर्ष में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से उठा हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सरकार ने महसा की मौत से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया है, जिसमें महसा एक महिला पुलिस अफसर से बात करने के दौरान बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, बाद में उनके मौत की खबर आती है। समाचार एजेंसी इरना ने दावा किया है कि महसा अमीनी की मौत सेरेब्रल हाइपोक्सिया से हुई, जबकि उनके परिवार ने आरोप लगाया कि महसा अमीनी के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद से ही ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के हिजाब आंदोलन की आग दक्षिण अमेरिकी देश चिली तक पहुंच चुकी है। चिली में रहने वाले ईरानी नागरिकों के एक समूह ने सेंटियागो में इकट्ठा होकर ईरानी महिलाओं के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और दमन पर गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने बाल काट कर और मुंह पर पट्टी बांधकर ईरानी महिलाओं के लिए आजादी की मांग की। अमेरिका अपने नागरिकों के लिए जारी ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान और भारत की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और हिंसक घटनाओं के कारण जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की यात्रा से बचने को कहा है, वहीं भारत को लेवल 2 पर रखते हुए यूएस ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर और एलएसी से सटे लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में यात्रा की सलाह दी है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2022 में शांति पुरस्कार के लिए बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियास्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज का नाम चुना गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की गई है। मानवता के लिए काम करने वालों को ये पुरस्कार 1895 से दिया जा रहा है।